जयपुर से है, जहां पर नक्सली हमले में घायल जवान का इलाज जारी है। दरअसल बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान फोर्स नक्सलियों के एक-एक कैंप को ध्वस्त कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार को सुबह पुष्पाल जंगल में नक्सली गोलीबारी में एक जवान के पैर में गोली लग गई, जिससे उपचार के लिए अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। नारायणपुर में जवान जो है उनके पैर में गोली लगी है, जो रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती है। हमारे साथ बात करने के लिए जवान भी मौजूद है, तो अब उनसे ही जानना चाहेंगे आपको ये जो चोट है वो कैसे लगी। हम लोग वहाँ से एरिया डोमिनेशन के निकले थे, तो करीबन 6 बजे निकले थे वहाँ से। तो 9 बजे करीबन हमको उधर से घूम करके गांव वालों को मीटिंग देना था और कुछ समझाना था कि सरकार के बारे में क्या क्या खूबी है उसको। फिर नदी पार करके हम लोग को वापस आना था हमको, तो उसी समय नदी क्रॉस करते समय ही वही हुआ था। ये ऑपरेशन प्रहार भी चलाया जा रहा है क्या जवानों के द्वारा? मैम उसके बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग का नया कैंप खुला हुआ है। हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर भी मौजूद है, तो हम उनसे ही जानते हैं। सर, ये जो गोली है वो किस तरह से लगी है और क्या कुछ अपडेट है? अभी पेशेंट अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसको बाया पैर में घाव है, दाहिने तरफ भी घाव है, और बाकी सब चोटों की एक्सरे और दूसरी जांचें होगी, उसके बाद ही हम डिटेल बता पाएंगे। थैंक यू। तो ये थी हमारी डॉक्टर धावली और जवान से खास बातचीत, जिन्होंने बताया कि चोट लगी है, जवान का इलाज जारी है। घायल जवान का नाम संजय बड़ी है, जो रामकृष्ण में एडमिट है और उनका इलाज जारी है। कैमरामैन रविंद्र नागलकर के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।